नमस्कार, आप आवाज न्यूज देख रहे हैं। अभी एनडीए के प्रत्याशी भूषण राय ने अपना नॉमिनेशन करके बाहर आए। उनके नॉमिनेशन में शामिल हुए थे पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। सर, अभी नॉमिनेशन हो गया, बाहर आए हैं, क्या है सर जीत का? 100% जीत की गारंटी है। और देखिए, बिहार में 24 विधान परिषद का चुनाव हो रहा है एनडीए गठबंधन के तहत, और हमारा उम्मीदवार 2400 जगह जीतेगा। एनडीए गठबंधन आज के तारीख में, चाहे केंद्र हो या बिहार हो, हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम जीतेंगे। और ख़ास करके जो हाजीपुर वैशाली का सीट जो है, इसमें निश्चित रूप से हमारा प्रयास है, हाजीपुर की जनता का आशीर्वाद रहेगा। तो मैं बिहार में निश्चित रूप से सबसे अधिक वोट से हाजीपुर मेरा उम्मीदवार भूषण कुमार चुनाव जीते। अभी सुबोध राय भी नॉमिनेशन करने आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई हमारे चक्कर में नहीं है, ये लोग हवा हवाई नेता है। ये तो सुबोध राय जी से पूछिए। नहीं सर, सुबोध राय ने बोला हवा, ये तो सुबोध राय जी से पूछिए कि हवा हवाई वो है कि हमारा उम्मीदवार है। 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें विपक्ष कह रहा था कि हवा हवाई है, लेकिन हवा तो निकल गया उन लोगों का, इसमें भी सबका हवा निकल जाएगा। चलिए, साफ तौर पर कहना है पशुपति पारस जी का कि हवा हवाई नेताओं का हवा निकल जाएगा इस बार। नहीं, ये तो कंफर्म सीट है, क्योंकि यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उनका विशेष आशीर्वाद है। वो देखिए, आपको साथ में उनके साथ में नॉमिनेशन से हैं, तो लास्ट तक रहेंगे और ये 100% ये जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दायरा नहीं है। सर, कौन किया नहीं किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको मैं आज कह रहा हूँ कि 100% मतलब कंफर्म है, जनता को भी यही मंजूर है, हम लोग भी पूरी जी जान से लगे हुए हैं, और ऐसे अनुभवी नेता का उनके ऊपर आशीर्वाद है जो आज केंद्रीय मंत्री हैं और आने वाले समय में बिहार के राज्यपाल भी हो सकते हैं। सर, ये बताइए कि इस बार युवाओं की भागीदारी ज्यादा है, तो क्या लग रहा है कि युवा अपने मतलब बुद्धि और विवेक का मतलब युवाओं में नया जोश रहता है, युवाओं दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जो भी जनता की समस्या है उसको हर जगह लेके पहुंच सकते हैं, इसलिए युवाओं का योगदान होना चाहिए, इसलिए इस बार योगदान मतलब युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।